नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर बिहार के दरभंगा जिला से ब्रेकिंग खबर आ रही है। दरभंगा के श्यामा मंदिर दक्षिणेश्वरी काली मंदिर से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान ये मंदिर इस वक्त बंद है और बाहर में ही शादियां या जो भी शुभ कर्म है वो लगातार किया जा रहा है या पंडितों के द्वारा छुपकर ही पूजा साइड में यहाँ शादी करवा दिया जाता है। इस वक्त की बड़ी ये खबर आ रही है कि एक महिला जो यहाँ पर पहुंची थी पूजा करने के लिए, उसे पंडित के द्वारा पीट कर बाल पकड़ कर पीटा गया है। बता दें बड़ी खबर ये आ रही है बिहार के दरभंगा जिला के श्यामा मंदिर से। यही श्यामा मंदिर है, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर है, जहां पर देश विदेश से लोग पूजा करने के लिए आते हैं। मनोकामना जब पूर्ण हो जाता है तो लोग यहां पर दूर दूर से, नेपाल हो या फिर देश विदेश से लोग यहां पर आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। दक्षिणेश्वरी काली मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है और यहां पर जो भक्तों का जो श्रद्धा है वो अपार है। विशेष कवरेज देखिए, आपको वीडियो वायरल जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं। सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। यही वो वीडियो है, देख सकते हैं, इसी महिला को पंडित के द्वारा पीटा जा रहा है। देखिए पूरा कवरेज। इस घटना की पूरी जानकारी यहाँ के जो मैनेजर हैं वो आपको बताएंगे। आपको बता दें हेमचंद्र रॉय जो यहाँ के मैनेजर हैं, सबसे बड़ी बात बता दें कि पुजारी के द्वारा पिटाई का वीडियो किसी ने बना लिया और अब वह वीडियो तेजी के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। पुजारी की करतूत जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मंदिर प्रबंधन ने पिटाई करने वाले पुजारी को तत्काल काम से अलग कर दिया है। हालांकि महिला की तरफ से खबर लिखे जाने तक कोई भी शिकायत नहीं आई है। बताया जाता है कि घटना दो दिन पहले की है। पीड़ित महिला मंदिर की सीढ़ी पर चढ़कर मंदिर के अंदर जाकर माँ श्यामा माई की पूजा करने की जिद पर अड़ गई थी, लेकिन कोविड गाइडलाइंस के कारण मंदिर का द्वार आम लोगों के लिए बंद है। महिला मंदिर के बंद द्वार खोलने की जिद पर अड़ी थी, लेकिन किसी के द्वारा मंदिर के द्वार नहीं खोलने के कारण महिला ने बंद द्वार को जबरन खुद खोलने का प्रयास किया, जिस कारण मंदिर के पुजारी ने इसका विरोध किया, लेकिन इस विरोध में मंदिर के पुजारी ने अपना आपा खो दिया। आपको बता दें महिला भक्त को शरेआम बाल पकड़ कर न सिर्फ सर को इधर उधर मरोड़ने लगा बल्कि महिला की पिटाई भी कर दी। अतः महिला को अंतः प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन पूरे घटना की किसी ने वीडियो बना लिया और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर करिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं यहाँ के पुजारी और यहाँ के जो मैनेजर हैं हेमचंद राय उनका। हम सबका देवता हम निकाल देव, झूठे मैया के बदनामी। पुजारी से हम लोग जानकारी प्राप्त किए हैं और उनका कहना है जो एक विक्षुब्ध महिला जो जैसे उसको उसकी जो एक्टिविटी है वो गेट पर जाती है और गेट को, चूँकि कोविड के कारण गेट बंद है, और गेट को तोड़ने की प्रयास करती है और महिला को रोकने के लिए पंडित जी आते हैं और पंडित जी जब ही रोकने के लिए आते हैं तो पंडित जी को ही वो पकड़ के अपनी तरफ भेजने लगती है। उस बचाव के लिए पंडित जी जो प्रक्रिया किए जो अभी हम लोग बैरल में देख रहे हैं, लेकिन जो भी स्थिति है उस स्थिति की हम लोग पूरा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उनको हम लोगों ने शोकॉज किया है, तत्काल कार्य से उनको हम लोग अलग कर दिए हैं। फिर कमेटी की बैठक होगी, सभी कमेटी के पदाधिकारियों मेंबर को हम लोग जानकारी दे रहे हैं और इसकी बैठक करके उस पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे की प्रक्रिया हम लोग क्या करें। उस जिस तरह की स्थिति थी, चूँकि उसके बाद जो ही हमारे मंदिर प्रबंधन के जो लोग थे उसको मना किए, रोकने के बाद सब अपने अपने सब घर चले गए और उसकी जो प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए थे। पंडित जी क्यों ऐसे किए, पंडित जी अपना स्पष्टीकरण देंगे या फिर किस तरह की नौबत आई जो इस तरह की यह प्रक्रिया, उसके
उसके बाद प्रबंध समिति की बैठक होगी, बैठक के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के आलोक में पंडित जी पर कार्रवाई होगी। तत्काल खड़े से हम लोगों ने उनको अलग कर दिया। क्या सर कानून कहता है किसी महिला पर हाथ उठाना? नहीं नहीं, कौन कहेगा, ये कोई कहेगा? महिला के सुरक्षा की व्यवस्था हम लोग करनी है, मंदिर में महिला की है, जो भी भक्त यहाँ आते हैं उसकी सुरक्षा हमें प्रदान करनी है। उसको अगर बिछुड़ भी है तो उसको हमको बचाना है, उसको सुरक्षा देना है। ये मंदिर मैया की दरबार है, मैया के दरबार में किसी रूप में आते हैं, बहुत सारे कैंपस में देखते हैं बराबर पागल की तरह लोग आते हैं, महिलाएं भी आती है, पुरुष भी आता है। उन लोगों को हम लोग मैंने किसी भी तरह से कोई मारपीट की बात नहीं, उसको समझा के बुझा करके हम लोग चाहते हैं जो अपना घर चला जाए। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग प्रशासन को भी हैंड ओवर करते हैं। ये कौन कहेगा कि महिला के साथ ऐसा हो? आगे फिर क्या होगा इसके लिए? आगे के लिए तो कमेटी वाले लोगों को जानकारी दी है, कमेटी की जल्द बैठक होगी, उस पर जो अगली प्रक्रिया की और जो लोग निर्णय लेंगे वो निर्णय के आलोक में फिर प्रक्रिया होगी। अभी तत्काल उनको उस कार्य से हम लोग रोक दिए हैं।